स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग रुके हैं रेडिसन ब्लू रुद्रपुर में। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ का रूम कैसा है। तो भाई अवेलेबल ऑन रेंट खड़ी है ये रेडिसन ब्लू की गाड़ी, आगे से दिखाते हैं आपको। भाई क्या बात है, क्या बात है। तो ये गाड़ी है भैया, रोल्स रॉयस गाड़ी है ये। टायर पे देखो नाम लिखा है। ये गाड़ी को एक बार मैं देखा हूँ हरिद्वार के पास, तो ये रेंट पे भी यूज़ होती है भैया। क्या बात है, होटल ने आगे लगा रखा है अपने। एंट्री करने से पहले आपको ये गाड़ी दिख जाएगी और ये रहा रोल्स रॉयस का लोगो। क्या बात है भाई, चलो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको भैया, आ जाओ। ये है इनका रिसेप्शन काउंटर, ये सामने का लुक है। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं इधर वेटिंग एरिया। काफ़ी बढ़िया होटल लग रहा है। सो रूम नंबर मिला है 012 हमारे फ्रेंड को, तो हम आपको अभी रूम दिखाते हैं। ये एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम होगा। यस, नीट एंड क्लीन वॉशरूम। टॉयलेटरीज यूज कर रहे हैं ये। यस, ये इधर हेयर ड्रायर भी है। इस साइड इलेक्ट्रिक कैटल है जैसे होती है, और इस साइड सेफ होगा है ना। इधर इन्होंने टीवी दे रखा है, यहाँ पर अपना सामान रख लोगे। टीवी यूज कर रहे हैं सोनी की, वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया सोनी की टीवी यूज कर रहे हैं। और इस साइड वर्क स्टेशन है अपना। इधर बहुत ही प्यारा काउच, वाह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया काउच है। सामने एक आर्ट वर्क लगा हुआ है। और ये है अपना बेड भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, किंग साइज। और स्पेस अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक स्पेस है काफ़ी। काफ़ी होटलों में मैंने ये स्पेस देखी कम होती है ना। और व्यू देख लेते हैं, कुछ व्यू है कि नहीं, वरना सुबह ही दिखाएंगे आपको। तो व्यू तो कुछ खास नहीं लग रहा है, एनीवेज चलेंगे ऊपर और दिखाएंगे। चलिए अब अपना रूम दिखाते हैं। तो हम चलेंगे लिफ्ट से, और लिफ्ट से हम चलेंगे सेकेंड फ्लोर पर। मुझे रूम नंबर मिला है 215 सेकेंड फ्लोर पे। देखते हैं, इसी साइड होना चाहिए। यस, एग्जीक्यूटिव लाउंज है। इस साइड से चलते हैं अली। और सबसे बेस्ट ये होटल्स की फ़ायदा ये है, जो अच्छे होटल होते हैं नीचे जो ये अली होती है जो वॉक करने वाली है ना, यहाँ पर एक तो बदबू नहीं आती है, ऊपर से काफ़ी कंफर्टेबल होता है। चलिए आगे चल के दिखाता हूँ रूम आपको। तो सामान मेरा आ रहा है और रूम नंबर है 215। चलिए अंदर दिखाते हैं कैसा रूम है। बोला तो इन्होंने कि मुझे रिवॉर्ड मेंबर होने के नाते अपग्रेड किया है, लेट मी सी द अपग्रेड। तो राइट हैंड साइड पे वॉशरूम में इधर शावर लगा है, टॉयलेटरीज दे रखी है इन्होंने। टॉयलेटरीज, शेविंग, शावर कैप, वैनिटी, और अपग्रेड में ये बाथ टब मिला है। तो ये नॉट अ जकूजी बट इट्स अ बाथ टब। और इस साइड इन्होंने दे रखी है फ्रिज, लेट मी सी इसमें कुछ है कि नहीं। हाँ, रेडबुल पड़ी है, किटकैट है, जूसेज हैं, सब चार्जेबल बेसिस पे होते हैं। इधर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक कैटल। इधर है अलमीरा में लेट मी सी क्या है, सेफ है, हैंगर है, लॉन्ड्री है, और रेडिसन ब्लू की ब्लू वाली ये वाली स्लीपर है। और आयरन बोर्ड दे रखा है इन्होंने, वेरी नाइस, आयरन के साथ आयरन बोर्ड भी। कम इन। और ये क्या रखा है, शू पॉलिश है। तो इस साइड सामान रख दिया हमने अपना। उधर आर्टवर्क लगा रखा है, आर्टवर्क्स काफ़ी अच्छे लगा रखे हैं यार इन्होंने, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट का काम लग रहा है मुझे तो। उस वाले रूम में भी अच्छा लगाया था इन्होंने। और यहाँ पर भी ये सोनी यूज़ कर रहे हैं। और इस साइड से आप देख सकते हैं व्यू, ये रहा बेड मेरा किंग साइज। अगेन जैसे मैंने उसमें भी दिखाया था आपको, तो स्पेस आप देखो वहाँ पर भी, यहाँ से लेके वहाँ तक की स्पेस काफ़ी बढ़िया और काफ़ी कंफर्टेबल बेड लग रहा है। क्लीन, नीट एंड क्लीन लिनन है। और यहाँ पर भी काउच है, अगर आप काउच देखो यहाँ पर भी बेस्ट काउच है। सामने पानी की दो बोतल दे रखी है, दो ग्लासेस हैं। और इस साइड भी इन्होंने दे रखा है एक नाइस पेंटिंग। ये हमारा वर्क स्टेशन है। और इधर से इन्होंने बोला था कि सिटी व्यू होगा, लेट मी सी सिटी व्यू है कि नहीं। तो ये दिखा देता हूँ मैं, सिटी व्यू ये रहा।
तो अभी अंधेरे में तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सुबह आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, रेडिसन ब्लू से रात को हम यहाँ पर आए थे और ये व्यू नहीं दिख रहा था, तो सामने जो है ये हाईवे जा रहा है यार, हल्द्वानी को भी कनेक्ट करता है ये वाला हाईवे आगे से। और ये पार्किंग है जैसे आपको दिख रही है, पार्किंग है यहाँ की। रूम अपना ये था, तो टाइम हो गया ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करने का। अच्छा स्टे था मेरा, काफ़ी बढ़िया स्टे है। और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। और रेडिसन हमेशा से यार बढ़िया रहा है, लोग अच्छे हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइजीनिक है और नीट एंड क्लीन रहती है हर चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बताते हैं कैसा है यहाँ का खाना। ब्रेकफास्ट करने आया भाई, इधर लगी म्यूसली, इधर लगे जूसेस, तो मैं फिक्स फ्रूट जूस लूँगा। और पीछे लगा था फ्रूट, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जूस ले रहा था, क्रोकोडाइल मिल गया, ये देखो, देख रहे हो क्रोकोडाइल, खाते हैं इसको? हाँ लोग खा रहे हैं इसको, बताओ। क्रोकोडाइल लोगों को खाता है, लोग क्रोकोडाइल खा रहे हैं। इधर लगा हुआ है कट फ्रूट, कट फ्रूट में यार खाली इन्होंने पाइनएप्पल रखा हुआ है, बाकी छोटे मोटे सैलेड्स लगे हुए हैं, इधर स्प्राउट्स लगा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सैंडविच है, इधर योगर्ट है। तो ये है पूरा सेटअप यहाँ का। ये पोंगल है, पोंगल लिया है मैंने थोड़ा सा, ये पोहा की तरह है थोड़ा सा मिक्स है, इधर चटनी भी है। आगे चलते हैं दिखाते हैं क्या है। इधर लगी इडली, इडली मैं खाता नहीं हूँ, दिखा देता हूँ कैसी है यहाँ पर। और इस साइड चलते हैं, इस साइड लगा हुआ है पाइनएप्पल हलवा, ये मैं थोड़ा ट्राई करूँगा। और इस साइड लगा है बेक्ड बीन्स और मसाला पॉरेज, बेसिकली तो दलिया है उसी टाइप की लगी, लेकिन अभी ख़त्म हो गया भाई क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा। इधर है वेज पोटैटो पैटी, और इस साइड लगा हुआ है चना दाल वड़ा और ब्रेड पकौड़ा, ये मैं लेता हूँ थोड़ा सा, यार मन कर रहा है। ये बेकरी, बेकरी में ये है डैनिश, ये क्रोसेट, ये ड्राई केक, मैंने केक लिया थोड़ा सा। ये एक दिन का लाइव काउंटर है एक्स स्टेशन, ये ऑर्डर किया मैंने अंडा। और इस साइड चाय बना रहा है भाई अपना, मैंने बोला अदरक वाली चाय बनाओ। और ये व्यू है यहाँ से, चलिए अब खाते हैं बताते हैं। सब सामान लिया है मैंने, वड़ा ब्रेड पकौड़ा, ये साथ में जूस लिया है, और टीवी लगी है सामने, तो न्यूज़ भी देखता रहूँ क्या चल रहा है भैया। एरिया था जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, यहाँ पे बैठ के ओपन है पूरा, सामने से लाइट आती है, और इस साइड से आप इंटर करते हैं। तो अब चेकआउट टाइम हो गया, चेकआउट करते हैं फिर बताते हैं। सुबह टाइम हो गया चेकआउट करने का, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था चेकआउट करते वक्त, बिलिंग की हमेशा प्रॉब्लम होती है, इनको बता के जाओ यार तब भी, बट एनीवेज चेकआउट हो गया। तो मेरा जो टैरिफ टोटल पड़ा वो लगभग 4 to 5 0 प्लस GST पड़ा, तो लगभग 4700 रुपये का पड़ा। ये CP प्लान था, इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट था और कुछ नहीं था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट होटल के, तब तक के लिए बाय।